सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान 16 दिन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को शिवपाल यादव ने बताया बहुरूपिया। ओम प्रकाश राजभर के दिए बयान जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अहीरों को बुद्धि 12 बजे के बाद आती है। शिवपाल यादव ने धमकी भरे लहजे में कहा उनको ये बात याद कर लेनी चाहिए कि जब यादव लोग पीटते हैं तो रोने नहीं देते हैं। घोसी में हुए उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा मतगणना के समय मैं वहीं काउंटर पर मौजूद रहूंगा। समाजवादी पार्टी भारी मोहम्मद से जीतेगी। इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद पर शिवपाल यादव ने कहा कि इंडिया और भारत का यह संविधान में जब नाम है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का मामला हमेशा उठाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने को लेकर जो छेड़छाड़ कर रही है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद ही रह जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि जब वे भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना लेंगे तब उनसे बात कर ली जाएगी। देखिए तो उनको वो बात याद कर लेना चाहिए, उन्होंने एक बार कहा था कि यादव लोग जब पीटते हैं ना तो रोने नहीं देते हैं, बस इतना याद है। और हम भी कल वहाँ पर रहेंगे काउंटिंग में, और काउंटिंग में आएंगे तब पता लग जाएगा। और समाजवादी पार्टी वहाँ बड़े भारी बहुमत से जीत गए। लगातार विपक्ष सोच रहा था कि मायावती जी संग में आएंगे इंडिया के, लेकिन कल उनके बयान के बाद क्या लग रहा है? अब उनके बारे में तो आप लोग सब लोग पता कर लो ना, पहले भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना लें तब उनसे हम लोग बात करें। 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं, और लड़ेंगे तो किस वजह से? कुछ नाम ये तो देखिए, हमारी समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी इस पर निर्णय लेगी, और जो निर्णय समाजवादी पार्टी लेगी उसका हम पालन करेंगे। मैनपुरी से भी कैंडिडेट बदलने की कोई संभावना है? अभी सांसद जी ने कहा कि पार्टी तय करेगी, अभी तो एक कन्फर्म नहीं है। देखिए बदलने की कोई संभावना नहीं है, और जल्दी पार्टी फैसला लेगी। गठबंधन जो बना है उसको लेकर सीटों को लेकर विवाद है यूपी के अंदर, मायावती और ओबीसी के बिना अधूरा है। देखिए इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करना चाहिए, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मायावती जी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए। देखिए इंडिया और भारत ये संविधान में नाम है, और जब संविधान में नाम है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का मामला हमेशा उठाती रहती है। और देखिए जहां तक हटाने का मामला है तो देखिए हटाने से तो देखिए इस तरीके का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हटाने का काम, तो अब देखिए 2024 ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन जब संविधान में है, दोनों नाम संविधान में है, तो इस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। लेकिन 2004 में नेताजी ने खुद ये प्रस्ताव लाए थे इंडिया का नाम जो है भारत किया जाए, अब क्या दिक्कत आ रही है इंडिया भारत का नाम होने? देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं, जबकि संविधान में ये दोनों नाम हैं, तो संविधान में जब नाम है तो ये छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? तो जब छेड़छाड़ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो ये जब छेड़छाड़ करने हमें क्या एहतराज, जब खुद ही हट जाएंगे 2024 में। किस तरीके लगातार देखिए उनके बारे में आप सब लोगों को पता है, वो पैरोटिया है,
कब रोज कहाँ क्या कब बात करते हैं, किसके लिए क्या बात करते हैं, वो अपनी सोचें और मंत्री की ओथ लें, मंत्री की ओथ लें और उनके बारे में आप लोगों को पता ही है क्या क्या बातें करते हैं किसके बारे में। यहाँ हम लोग शांत प्रिय लोग और हम लोग कभी भी हिंसा पर भरोसा नहीं करते। सड़कों पर तो हम लोग रोज रहते हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी का जानते हो कि इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है और जहाँ जहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं पर भी उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करने के लिए हर समय तैयार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदय स्टालिन के उनके बेटे ने कहा था सनातन धर्म जो है बीमारी और इसको खत्म करना चाहिए, जबकि लोहिया जी तो सनातन को अपना जबकि मूल मानते हैं। इसी कार्यालय में डिब्बल जी ने कहा था हम हिंदू हैं और सनातन धर्म हैं। देखिए हम और समाजवादी पार्टी हमारी पूरी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन है तो आपके गठबंधन में वो योगी गठबंधन में हैं और गठबंधन में रहेंगे। अब ये सवाल उन्हीं से आपको करना चाहिए। तो दो तरीके की विचारधारा कैसे चलेगी? देखिए हम लोग समाजवादी पार्टी के और हमने जो कहा कि सभी धर्मों का हम पालन करते हैं, सम्मान करते हैं और हमेशा धर्म निरपेक्ष हम लोग हैं। तो आपको पता ही है कि हम सब लोग हमेशा अब किन परिस्थितियों में उनका वो तो कारण कोई बता पाएंगे, लेकिन वो गठबंधन में है और रहेंगे। आपका गठबंधन भी हो गया, सीटों की डिक्लेरेशन भी हो गया होगा, कितनी सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा ये रणनीति के हिसाब से हम लोग तय करेंगे। ये रणनीति बताई नहीं जाती है मंत्री जी। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, अब यही समय मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन ये सही है या गलत है? देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन ये समय नहीं है, पूरे विपक्ष से विचार विमर्श और ये सब बातें होती हैं, जबकि संविधान में जो है संविधान के अनुसार करना चाहिए। अच्छा जिस तरह से ये बात देखिए जब भी कोई संशोधन करना होता है तो पूरे विपक्ष से अब पूरे जब भी पूरे विपक्ष से और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के पूरे विपक्ष से बात करना चाहिए, सहमति लेना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए अभी तक पूरे देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया है, अभी तो वही ये भी है उसी का हिस्सा। पूरे प्रदेश की जनता को हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तब तो कोई कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं जो प्रदेश की जनता भ्रमित हो। इनको कोई काम तो करना नहीं है, कोई भी जितने भी इन्होंने वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा किया, केवल देश की जनता को भ्रमित करना है। विपक्ष में बैठे कोई जानकारी के ज्ञान की किस मुद्दे पर बात करें, मंशा क्या है, क्या ब्रिटिश काल पुनः लागू करना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी अब हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है सब लोग मिलकर के निश्चित से 2024 में हटा। अभी अभी टिकैत साहब